हेलमोस्टेक में आपका स्वागत दोस्तों। आज की स्टूडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास ओप्पो F17 प्रो डिवाइस है और आपके डिवाइस में आपको एंड्रॉयड 12 और कलर्स 12 का आपको बीटा वर्जन आपके डिवाइस में आपको कब तक देखने मिलेगा। यहां पर ओप्पो की तरफ से कंफर्म हो चुका है, तो आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में कब तक देखने मिलेगा सो कम्प्लीट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल में आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो पे कमेंट करो। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F17 प्रो डिवाइस में आपको एंड्रॉयड 12 और कलर्स 12 का आपको बीटा वर्जन आपके डिवाइस में कब तक देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ओप्पो की तरफ से यहाँ पर न्यू ऑफिशियल रोड मैप के थ्रू, यहाँ पर बीटा रोड मैप के थ्रू यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपके डिवाइस का नाम Q1 में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ओप्पो की तरफ से। तो यहाँ पर 2022 में Q1 का मतलब यह होता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ में आपको कभी भी यहाँ पर बीटा वर्जन आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करके रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बीटा वर्जन होता है, इसमें आपको कई सारे लैगिंग इश्यूज, बैटरी ड्रेन इश्यूज, आपके डिवाइस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके डिवाइस में आप इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को आप इंस्टॉल मत करिएगा, आप ऑफिशियल वर्जन का वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने आया था कि आपको थोड़ा सा तब तक के लिए वेट कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।